किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2022 एमपी सरकार देगी पशुपालक को पशु खरीदने के लिए बिना ब्याज के 2 लाख रुपए तक का लोन। जाने आप कैसे ले इस योजना का लाभ। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बेल किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2022 एमपी सरकार देगी पशुपालक को पशु खरीदने के लिए बिना ब्याज के 2 लाख रुपए तक का लोन। जाने आप कैसे ले इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकेटो न्यूज में। भोपाल किसान की आय दुगने करने के प्रयासों में एक पहल और जुड़ गई है। खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसान को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। किसान और पशुपालक को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पशुपालन के लिए लोन लेने वाले किसानों को सिर्फ मूल रकम चुकानी होगी। सरकार की ओर से किसी प्रकार का ब्याज किसानों से नहीं वसूला जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी। शून्य ब्याज दर पर लोन, जाने किन किसानों को मिलेगा इस योजना का फायदा। 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में पशुओं की संख्या 53.78 मिलियन बताई गई है तथा मध्य प्रदेश में 40.6 मिलियन पशु है। इस पशुगणना के अनुसार 18.7 मिलियन गाय है और 10.3 मिलियन भैंस मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अधिकांश किसान खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। 5 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में पशुधन के लिए शून्य ब्याज दर पर लोन देने का निर्णय लिया गया है। योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सभी किसानों को मिलेगा। अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री परिषद ने पशुपालन एंड डेयरी विभाग के माध्यम से प्रदेश के किसानों को पशुपालन गतिविधियों के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य दर पर लोन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। बैठक में गाय भैंस बकरी सुअर मुर्गी पालन के लिए 0% ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन गतिविधियों के लिए 0% ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करने की योजना का क्रियान्वयन से राज्य के पशुपालक आसानी से आदान खरीद सकेंगे तथा सूद खोरों और बिचौलियों से बचाव होकर पशुपालक की आय में वृद्धि होगी। किसानों को सिर्फ मूलधन ही लौटाना होगा। मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को योजना का फायदा पहुंचाने के लिए 0% ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। सरकार पशुधन खरीदने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन देगी। किसानों को सिर्फ मूलधन ही चुकाना होगा। पशुपालक किसानों को मिलता है कई योजना का फायदा। मध्य प्रदेश में पशुपालक किसानों के लिए कई योजना चल रही है। इनमें पशुधन बीमा योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है। एमपी में पशुधन बीमा योजना के लाभार्थियों 30 मार्च 2022 तक 20 करोड़ 21 लाख रुपए का क्लेम का भुगतान किया गया है। इस योजना में बीमारी, बारिश, चक्रवात, बाढ़, अकाल से पशुओं की मौत होने पर पशुपालक को सरकार की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में सभी प्रकार के पशु जैसे देसी संकर गाय भैंस अन्य पशु जैसे घोड़ा गधा बकरी सुअर और खरगोश नरगो भैंस आदि वंश का बीमा किया जाता है। अब मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना का भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बजट 2022 में पशुपालन और मत्स्य पालन में विकास की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका लाभ किसानों को जल्द ही मिलेगा। इन दोनों योजनाओं के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। वहीं उद्यानिक उत्पादों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। इससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 70% अनुदान पर होता है पशुओं का बीमा। मध्य प्रदेश में पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं का 70% अनुदान पर बीमा होता है। 70% अनुदान का फायदा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को मिलता है। वहीं गरीब रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को 50% तक का अनुदान का फायदा दिया जाता है। अनुदान राज्य व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पशुधन बीमा योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड APL कार्ड BPL कार्ड पशु से संबंधित विवरण निवास प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर बैंक खाता की पासबुक पहचान पत्र आदि दस्तावेज देने होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2022 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना से संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।